हे गाइस, आई एम रति एंड यू आर स्टडिंग नर्सिंग विद मी। सो गाइस, ये जो टॉपिक है वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की सीरीज़ से है और ये सेकंड प्रोग्राम है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोग्राम है नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ईयर 2014 एंड 15 में लॉन्च किया था। एंड इस प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग है वो राजस्थान में जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन्होंने सेलेक्ट किया था वो था हनुमानगढ़। ये फर्स्ट फेज़ का डिस्ट्रिक्ट है एंड ईयर 2015 एंड 16 में इन्होंने दो और डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि थे टोंक एंड झालावाड़। एंड जो थर्ड फेज़ था उसके अंदर इन्होंने 2016 एंड 17 का जो ईयर था उसमें जो 30 डिस्ट्रिक्ट थे उनको इंक्लूड किया इस प्रोग्राम के लिए। सो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है गाइस कि नेशनल ऑरल हेल्थ प्रोग्राम राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया। सो आपको याद रखना है कि हनुमानगढ़ वो डिस्ट्रिक्ट था जिससे कि नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। जब भी गवर्नमेंट कोई प्लान बनाती है या फिर कोई प्रोग्राम बनाती है गाइस, तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई एम होता है। सो इसी तरीके से नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के जो एम हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ओरल हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनके अंदर इन्हें इम्प्रूवमेंट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, ये हेल्दी डाइट को प्रमोट करेंगे एंड ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए भी प्रमोशन किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। एंड दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है इनका कि ओरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर बहुत सी असमानताएं हैं और विषमता हैं जो कि यहाँ पर हर ग्रुप को इजीली अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पर इनको हर ग्रुप को ये जो सर्विसेज है पहुँचाना है जिससे ओरल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तीसरा इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि ओरल हेल्थ से जितने भी डिजीजेज होती हैं इन्हें कम करना है। और चौथा मुख्य उद्देश्य है कि ओरल हेल्थ सर्विसेज को इन्हें और भी मजबूत बनाना है। वो किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट पर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ओरल हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी जिससे कि ये ओरल हेल्थ प्रोग्राम को और भी मजबूत कर सकें और इनसे जो होने वाली बीमारियां हैं उन्हें भी दूर कर सकें। इस तरीके की सर्विसेज को सेंटर्स पर प्रोवाइड करवा के ओरल हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने स्टाफिंग पैटर्न को भी डिसाइड किया है। यहाँ पर एक स्टेट एडवाइज़र होगा एंड 33 डेंटल हाइजीनिस्ट होंगे एंड 33 ही डेंटल असिस्टेंट होंगे जो कि इस तरीके की जो सर्विसेज हैं उन्हें प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होंगे। इस प्रोग्राम के उद्देश्य को अचीव करने के लिए कुछ सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइक ओपीडी सर्विसेज हैं जो डिसाइडेड स्टाफ हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर उनके द्वारा ओपीडी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड कैंप्स को भी रेगुलर बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर ओरल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस को ये क्रिएट कर सकें एंड जो बीमारियां हो रही हैं ओरल इश्यूज़ को लेकर उन्हें भी ये कम कर सकें। सो इसलिए यहाँ पर जो कैंप्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है रेगुलर बेसिस पर। एंड IEC एक्टिविटीज़ मीन्स इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा जो अवेयरनेस है उसे फैलाया जा रहा है कि ओरल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन्हें इनको कम करना है। सो यहाँ पर ये लोगों को एजुकेट करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए इस प्रोग्राम को लेकर एंड ओरल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर। एंड इस प्रोग्राम के तहत कुछ कोलैबोरेशन भी हुए हैं, लाइक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर इन्होंने 12 कैंपसेस हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के 8 कैंपसेस शामिल हैं इस तरीके के प्रोग्राम को रन करने के लिए। एंड इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने 2 दिन डिसाइड किए हैं, सेकेंड एंड फोर्थ फ्राइडे, जो कि नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के तहत क्लिनिक होंगे और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर होंगे। ये क्लिनिक यहाँ पर ओरल हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी एंड लोगों को प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग ये टेक्निक बताई जाएगी एंड इन क्लिनिक्स पर ओपीडी सर्विसेज भी अवेलेबल होंगी। अगर किसी को ओरल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा के प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रीटमेंट ले सकता है अपनी ओरल डिजीजेस से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस तरीके के पेशेंट को प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी बताया जाएगा कि किस तरीके से वो प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज़ करके अपनी जो ओरल हेल्थ है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड सेकंड नेशनल प्रोग्राम है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को भी हम इसी सीरीज़ में कवर कर लेंगे गाइस, ताकि हमारे दो नेशनल प्रोग्राम एक ही साथ में कवर हो जाएंगे। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एनटीसीपी जो प्रोग्राम है उसे इंडिया में कब लॉन्च किया गया। आपके ऑप्शन हैं ईयर 2008 एंड 9, ईयर 2007 एंड 8 एंड ईयर 2010 एंड 11 एंड ईयर 2005 एंड 6। सो आप सभी लोगों को इस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करना है गाइस। ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईयर 2007 एंड 8 में लॉन्च किया था। नेशनल टोबैको कंट्रोल जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत 42 डिस्ट्रिक्ट जो कि 21 स्टेट के डिस्ट्रिक्ट थे इनको कवर किया गया और साथ में यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों में टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में इन्हें अवेयर करना है कि टोबैको हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। सो इसलिए इन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टोबैको कंट्रोल लॉ बना है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंट को इन्हें ईजी बनाना है ताकि कोई भी इस लॉ का उल्लंघन ना करे। टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोहिबिटेड किया हुआ है। लाइक पब्लिक प्लेसेस के अंदर स्मोकिंग को निषेध किया हुआ है। एंड अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसके आसपास का जो एरिया है उससे 100 यार्ड्स की दूरी पर ही कोई टोबैको के प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। विद इन 100 यार्ड्स का जो एरिया है उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं किया जा सकता जो कि टोबैको से रिलेटेड है। एंड जब भी इस तरीके के टोबैको से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट कंपनी सेल करती हैं तो उनके ऊपर डिस्प्ले करना ज़रूरी होता है उसकी वार्निंग्स को, ताकि जो भी कैंडिडेट है उसे पता चल सके कि वो अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो उसे किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं। सो इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। सो गवर्नमेंट ने ये चीज़ को ध्यान में रखकर ही ये जो टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है उससे इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गाइस कि टोबैको के कंजम्पशन से जो डेथ हो रही हैं उन्हें मिनिमाइज़ करना है। आपने नोटिस किया होगा कि जो ओरल कैंसर्स हैं वो मेल्स के अंदर काफ़ी देखने को मिलते हैं और उसका मेन रीज़न है टोबैको कंजम्पशन। सो इसी वजह से यहाँ पर इन्हें टोबैको का कंजम्पशन है उसे कम करना है। सो इस तरीके की जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें किस तरीके से अचीव किया जाए उसके लिए इन्होंने एक्टिविटी प्लान की है। इस एक्टिविटी के लिए ये लोगों को ट्रेंड करेंगे एंड जो ट्रेंड वर्कर्स हैं गाइस वो कम्युनिटीज़ के अंदर जाकर IEC एक्टिविटी के थ्रू मीन्स इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को अवेयर कराएंगे टोबैको के हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में और इससे होने वाली डिजीजेस से। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। एंड जो टोबैको कंट्रोल लॉ है उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो लॉ बनाया है उसको लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से भी ये जो ऑब्जेक्टिव हैं इन्हें अचीव करने में हेल्प करेंगे। एंड सर्वेलियंस मीन्स सर्वे किया जाएगा कि कहीं टोबैको कंट्रोल जो प्रोग्राम है उसकी अनदेखी तो नहीं हो रही है। और सर्वेलियंस जो कुछ अपराधी हैं जो इस तरीके की मिस हैपनिंग क्रिएट करते हैं उन पे भी नज़र रखी जाएगी इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एनटीसीपी का जो प्रोग्राम है वो 612 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए, जिन पे जो लोग तंबाकू से छुटकारा पाना चाहते हैं वो लोग इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे उन्हें किस तरीके से तंबाकू की लत से छुटकारा मिल सकता है इस तरीके की इंफॉर्मेशन इस टोल फ्री नंबर पे अवेलेबल होगी। सो ये नंबर है 180011235 ये टोल फ्री नंबर है। इस पे कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। एंड दूसरा एक नंबर है जिस पे मिस कॉल देकर भी जो कैंडिडेट तंबाकू से छुटकारा पाना चाहते हैं उस पे भी उन्हें इस तरीके की इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि वो किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये नंबर है 01122901701। सो गाइज़ ये था हमारा एक और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।